लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित मिक्स मार्शल आर्ट की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम ने इतिहास रचते हुए कुल 37 पदक एवं 4 विशिष्ट पुरस्कार जीता है और यह किसी भी प्रदेश के अब तक के प्रदर्शन में बेहतर प्रदर्शन रहा है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया ने भी टीम को शुभकामनाएं दी है। छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश के 43 खिलाड़ियों ने 6वीं एमएमए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते हुए 16 स्वर्ण, 7 रजत एवं 14 कांस्य पदक अर्जित किए हैं और भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम होने का गौरव भी प्राप्त किया है। यह राष्ट्रीय एमएमए प्रतियोगिता 18 से 21 मई को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई, जिसमें 32 राज्यों से आए 400 खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ की टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देकर न केवल 37 पदक हासिल किए बल्कि भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम होने का खिताब भी हासिल किया। खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और लगन रंग लाई और हर बार की तरह इस बार भी छत्तीसगढ़ की टीम ने 2 पैदान ऊपर छलांग लगाकर पहले नंबर का स्थान हासिल किया। यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश एमएमए के अध्यक्ष श्री ब्रिजेश पाठक, डिप्टी सीएम यूपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सभी एमएमए इंडिया के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ एमएमए टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन की खूब सराहना की है। छत्तीसगढ़ एमएमए टीम के 4 सदस्यों को राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा गया, जिसमें छत्तीसगढ़ टीम की डॉक्टर दिव्या नितिन सिंह, जो कि एमएमए इंडिया की मेडिकल कमीशन की चेयरमैन भी हैं, को स्पेशल कैटेगरी में सिल्वर शील्ड अवार्ड, उनके एमएमए खेल को सभी खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित बनाने एवं चिकित्सा क्षेत्र में किए गए अथक प्रयासों के लिए दिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश से ही तनिष्का भंसाली, अवनी नैथानी और तर्षित यलमन चिली ने अपने अपने वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब हासिल किया और यह सब संभव हो पाया भिलाई में स्थित वॉरियर्स एकेडमी के अथक प्रयासों से, क्योंकि इसी एकेडमी में राष्ट्रीय खिलाड़ियों को कुंदन बनाने के लिए प्रैक्टिस की आंच में खूब तपाया गया और खिलाड़ियों ने भी अपना पसीना इस कदर बहाया कि आज एक नया इतिहास ही लिख दिया। अब तक की हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ की टीम का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ऐसा प्रदर्शन इसके पहले किसी अन्य प्रदेश का भी नहीं रहा है। इस खेल में खेलने वाले खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त करने के बाद अपने अनुभव को ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम से साझा किया है। वहीं एमएमए इंडिया की मेडिकल कमीशन की चेयरमैन और वॉरियर्स एकेडमी भिलाई की संचालिका डॉक्टर दिव्या नितिन सिंह ने भी इस टीम की कड़ी मेहनत को सलाम करते हुए सभी खिलाड़ियों को मेडल प्राप्त करने के लिए बधाइयां दी हैं। बहुत यकीन था काबर की मोर जो कोचेस रही से दीपेश सर, मयूर सर और सौरभ सर और साथ में नितिन सर, दिव्या मैम, ये सब के बहुत आभारी हूँ मैं। बहुत 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 प्रैक्टिस करवाई से मन मुला, बासी खाओ, चटनी खाओ और खूब मारो, बहुत ताकत आते हो मैं। बहुत बढ़िया बात है, छत्तीसगढ़िया वह मन अपना ही फिर, और यार वॉरियर एकेडमी मल्ला अपना ही और खेली, यहाँ कोचेस मन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग करवाते। सर ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, मेरा 6th नेशनल था और 5th नेशनल गोल्ड था मेरा इस टूर्नामेंट में। बहुत कॉम्पिटिशन अच्छा था इस टूर्नामेंट में। पहली बार मेरे 4 फाइट्स शेड्यूल थे, हमेशा 2 या 3 होते हैं, इस बार 4 था। ट्रेनिंग में कॉन्फिडेंस है मेरे को अपने कि मैं जीतूँगा। थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने कोच को, नितिन सर को, हम फिजियोथेरेपिस्ट को, हमारी मैम को, दिव्या मैम को और हमारी टीम को जो ट्रेनिंग पार्टनर्स है मेरा। अभी आगे बड़ा ही लक्ष्य है वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, वो गोल्ड मेडल लेना है और अपना नेशनल एंथम वर्ल्ड स्टेज पे शो करना। अच्छा लगा, ये फर्स्ट डे ही हो गया था नेशनल चैम्पियनशिप के, नेशनल चैम्पियनशिप के फर्स्ट डे अवार्ड फंक्शन था, तो तभी हम लोग को मिल गया था। मुझे बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर का प्राइज मिला है यूथ सी फीमेल कैटेगरी। बहुत शानदार ट्रिप था, मुझे गोल्ड मेडल मिला, मुझे काफ़ी खुशी है और इसी तरह मैं चाहती हूँ कि मुझे हर साल गोल्ड मेडल मिले और मैं जीतती रहूँ। मैंने सोचा था, क्योंकि हम लोग 6-7 घंटे रोज़ ट्रेनिंग कर रहे थे, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होती थी हमारी, तो मुझे पूरा विश्वास था कि हम लोग जीतेंगे। मेरा फाइनल था जागवी प्रदेशी, जो कि एक इंटरनेशनल फाइटर है, उसके साथ, जो कि एमपी से बिलोंग करती है। मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि मुझे खुद पे बहुत विश्वास था और मुझे लगा ही था कि मैं जीतूंगी। पूरा 100% सब कुछ सर मैम की मेहनत है और हमारे कोचेस की, मेरे ट्रेनिंग पार्टनर्स की, उन अगर वो नहीं होते तो फिर मैं जीत नहीं पाती। मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लेके आऊँ और भारत का नाम ऊंचा करूँ। हमने जब तैयारी शुरू की थी तो पहली बात तो ये सोच के की थी, हम एक बड़ी और एकदम सक्षम टीम लेकर जाएंगे और बच्चे जो पहले भी चैम्पियनशिप खेल चुके हैं उनकी भी तैयारी इस तरह की थी कि हम गोल्ड मेडल लेके आएंगे।
हाँ, ये बात अलग है कि हम एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत लेकर आए हैं लखनऊ से, और हमने एक नेशनल का रिकॉर्ड भी बनाया है 37 मेडल्स लाने का। जब हमारे बच्चे केज के अंदर फाइट कर रहे थे वॉरियर्स एकेडमी के, तब क्वार्टर फाइनल्स में ही हमको समझ में आ गया था कि टॉप 3 टीम्स में तो छत्तीसगढ़ आने ही वाला है। लेकिन फाइनल्स के दिन जो जोश दिखाया है बच्चों ने, जिस तरीके से वो खेले हैं, उससे आज भी मेरे को गूज़बम्स आते हैं। और इतनी ज़्यादा खुशी है कि हम सिर्फ जीत के नहीं आए हैं, हम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाकर आ गए हैं। और एक प्रेशर भी है कि अब अगली चैम्पियनशिप्स में हमको ये रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, तो टीम की तैयारी अब वैसे भी करानी पड़ेगी। एमएमए इंडिया नेशनल फेडरेशन का एक और इतिहास है कि इस बार उन्होंने पहली बार एक अवार्ड फंक्शन रखा था, जिसमें उन्होंने सारे एथलीट्स, सपोर्टिंग ऑफिशियल, स्टेट फेडरेशन, कोचेज और जो सपोर्टिंग टीम होती है उसके लिए अवार्ड रखा था। उसमें से एक अवार्ड मुझे भी मिला है, सिल्वर शील्ड अवार्ड का। ये अवार्ड मुझे 3 साल तक कंटिन्यूसली जो कंट्रीब्यूशन मैंने मेडिकल फील्ड में दिया है एमएमए इंडिया को, एमएमए इंडिया के सारे रजिस्टर्ड एथलीट्स को, उसका एप्रिसिएशन करते हुए ये मुझे अवार्ड दिया गया है। मैंने 3 इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स में एज अ टीम डॉक्टर अपना कार्यकाल संभाला, और मैं इस बार फिर से रीएलेक्ट हो गई हूँ अपने नेक्स्ट टर्म के लिए मेडिकल कमीशन चेयरमैन के लिए। तो मेरा जो काम रहा है मेडिकल चिकित्सा से लेके बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेडिकल पैरामीटर्स और ड्यूरिंग चैम्पियनशिप भी जो मेडिकल स्टाफ रिक्वायर्ड होता है, वो सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ये अवार्ड से नवाजा गया है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मेरे एमएमए इंडिया बोर्ड के प्रेसिडेंट श्री शरीफ बापू जी का, जनरल सेक्रेटरी प्रसाद गायतोंडे सर का, और वाइस प्रेसिडेंट अजय मारवा सर का, और जॉइंट सेक्रेटरी नितिन सिंह बोर्ड में जो हैं उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा इस अवार्ड के लिए, और हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, बीइंग इन लॉज और मेरी जो फैमिली है उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मेरा सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो मेरे वॉरियर्स एकेडमी के बच्चे हैं, जो हमेशा मेरे साथ, मेरे पीछे एक स्ट्रेंथ बन के, पिलर बन के खड़े रहते हैं। तो मैं इन सब के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने इस लायक मुझे समझा। अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और जीत का परचम लहराकर आई छत्तीसगढ़ की टीम की तैयारियाँ वॉरियर्स एकेडमी भिलाई व रायपुर में दिन रात एक करके इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अपनी तैयारियां की थी, और अब अपनी इच्छा भारत के तिरंगे को विश्व पटल के शिखर पर लहराने की रखते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।